जनपद शामली में किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक ने जिलाधिकारी शामली को एक ज्ञापन देकर गन्ना किसानों का भुगतान कराने की मांग की। जिला शामली के अंदर अभी तक 35% गन्ना भुगतान हुआ है। बहुत सारे लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे। इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो जा रही। पहले कोई बीमार होता था तो गन्ना मिल की तरफ से 85% का भुगतान कर दिया जाता था। किसान अपना अपने परिवार का इलाज करा लेता, लेकिन किसान पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता। इसी मुद्दे को लेकर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक ने जिलाधिकारी जसजीत कौर को एक ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। प्राइम की न्यूज चैनल के लिए राजवीर चौधरी जनपद शामली आए हैं ज्ञापन देने के लिए DMM को। क्या पूरा मामला है? ऐसा है, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने वादा किया था कि किसानों को गन्ना भुगतान 14 दिन में करेगी, लेकिन सरकार का दूसरा क्रम है और फिर भी गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा है। अब जो समस्या आ रही है, भुगतान तो नहीं हो रहा है। 25% तक शामली के अंदर भुगतान हुआ है कुल इस सीजन का, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीरियस बीमार हैं। और पहले क्या होता था, अगर कोई बीमार है वो एप्लीकेशन लगाता था तो मिल 85% तक उसको देता था, और अब कई सारे ऐसे केस आए हैं कि आदमी सीरियस है, भर्ती है, मरने की स्थिति में है, और मिल में अगर एप्लीकेशन लगाते हैं तो 20%, 30%, 40% तक भुगतान करते हैं, जिससे किसान अपना इलाज नहीं करा पा रहे और वो आदमी दम तोड़ दे रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है कि मिल मालिक है? तो उसी को लेकर आज हम ज्ञापन देने आए हैं। हम कह रहे हैं हमारा पैसा है, हमारे परिवार का सदस्य जा रहा है, तो उसकी जान बचाने के लिए उसको समय पर पैसा मिलेगा।